आप कदम उठा लिए पहले भी, केवल फीस का मैटर नहीं है भाई दीपू, नहीं समझ रहे हो, खाली फीस वाला बात नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्ते कर रही हूँ। मैं अपना सन जी का नमस्ते जी। खुश रहिए खुश रहिए। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और दोस्तों अभी तो मैं नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ। देखिए ब्लेजर था मेरा बहुत पुराने, कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। हाँ। अभी जा रहा हूँ मैं भैया को खोजने के लिए। जैसे कि आप लोग पता है कि जो भाभी थी हमारे साथ रहती थी, उनके हस्बैंड जी लापता हो गए थे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं खोजने के लिए। और हमारी प्यारी सिवाई देखिए अभी तैयार वगैरह हमको करा दिया और चार्जर इसमें रख लिया है। यहाँ पे मम्मी आ चुकी है, तो मम्मी जी का हम लोग प्रणाम करते हैं। खुश रहा बाबू, खुश रहा बेटी। जय श्री कृष्ण बच्चे, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग से तो बहुत दिनों के बाद हमसे भेंट हुआ है। तो यहाँ भाभी जी का भी आशीर्वाद हम ले लेते हैं। नमस्ते भाभी जी, जा रहे हैं। उसको मैं निकल रहा हूँ फटाफट। टंगीरा जी ख्याल रखिएगा, ठीक है? आप भी आ जाइएगा, ठीक है? दोस्तों वाइफ को छोड़ के जाना पड़ रहा है अचानक से, क्या करें? अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं है, देखो परेशानी है, परेशानी में सब आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, ठीक है? जाएं जाए जाइए, ठीक है? तो दोस्तों मैं फटाफट निकल रहा हूँ। चार्जर वगैरह कहाँ है दीवार में? और दोस्तों यहाँ पे शंकर जी का भी प्रणाम हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों मैं फटाफट निकलता हूँ और यहाँ बस पकड़ूंगा। तो गाइस आ चुका हूँ महाराजगंज बस स्टेशन पे हूँ। अभी एक टोटो पकड़ चुका हूँ और यहाँ से निकलूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा। बस स्टेशन का नजारा है। तो अभी मैं आ चुका हूँ जंक्शन पे, आनंद नगर एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ आया हूँ। प्लेटफार्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन आ रही है। दोस्तों ट्रेन पकड़ना है, जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली भाभी के पास आ चुके हैं और इसलिए लोकेशन वगैरह नहीं दिखाए हैं क्योंकि जानते हैं हम लोग बहुत बड़ा मुसीबत है, इनका आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है? और दोस्तों अभी का टाइम बहुत बुरा चल रहा है और सुबह से जैसे कि आप लोग जानते हैं जैसे घर से निकले हैं अंगिरा जी, पावर बैंक लिए हैं और दोस्तों खाना पीना कुछ नहीं हुआ है। ये ओठो से आप लोग पता कर सकते हैं, भाभी का दे सकते हैं। और दोस्तों फाइनली अभी ब्लॉग आ चुका है, 3 बजे ब्लॉग आता है, ब्लॉग भी आ चुका। और दोस्तों अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए, देखिए पनीर का और सब्जी। भाभी खा लीजिए ना हल्का सा, खा लिया जाए, दोनों एक रोटी खा लीजिए, एक रोटी। सो खाना पीना खा लेते हैं और भाई साहब क्या बताएं, समझ ही रहे हैं मुसीबत का टाइम है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भैया गायब हो गए थे तो इनको हम लोग खोजने में 1 से 2 दिन लगा है। दोस्तों फाइनली वो मिल चुके हैं और हम लोग होटल में रुके थे। दोस्तों हम भी परेशान हैं, भाभी के साथ आए थे, क्या करें दोस्तों, अपने लोग हैं तो साथ में खड़ा होना जरूरी होता है। इसी होटल में रुके थे, फाइनली अभी भाभी बैठ चुकी है, देखिए यहाँ पर भाभी बैठ चुकी है, भाई लोग हैं, ठीक है? तो दोस्तों आ चुके हैं फाइनली, भैया जहाँ पर रुके थे वहाँ पे आ चुके हैं, उस लोकेशन पे आ चुके हैं, उस डिस्टिनेशन पे आ चुके हैं। दोस्तों काफ़ी दिन से हम लोग काफ़ी परेशान थे, हम भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोस्तों होता है क्या कि जब कोई घर में परेशान होता है उसके बाद समझ सकते हैं कि जो अपने लोग होते हैं उन लोग के लिए ढूंढने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, मैं भी नहीं चाहता था कि मैं ऐसा दिन देखूं और बेसिकली बहुत बुरा लग रहा था। हम तो गए थे मुंबई घूमने के लिए और मुंबई से जैसे आए अचानक भाभी का कॉल गया कि भैया आपके गायब हो चुके। तो उस दिन से दोस्तों काफ़ी परेशान हो गए थे और जो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मन नहीं लगता था अंगिरा जी को घर पे छोड़ के आए। मैं बहुत सारा ब्लॉग नहीं शूट कर पाता था क्योंकि जब अपने लोग ही ब्लॉगिंग करने में लग जाएंगे तो कैसे रिसर्च कर पाएंगे, कैसे खोज पाएंगे। फाइनली दोस्तों वो दिन नज़दीक आ चुका है, हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे शख्स हमारे बड़े भैया खड़े हैं जिनका आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है? 6-7 पहले ही हमारे पास रखी। और ये देखिए मतलब ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए था, आपके एक छोटा गलती करने से सब लोग परेशान हो गए थे घर में। तो गाइस गांव में जैसे आ जाते हैं कहीं भी रिलेशन पे जाइए तो सबसे पहले खातिरदारी के लिए, दोस्तों देखिए ये रहा गांव का लाइफ स्टाइल, देख सकते हैं यहाँ पे पकौड़ी वगैरह आ चुका है, चाय आ चुका है, भैया पी रहे हैं, भाभी भी चाय पी रही हैं, चाय के मजे ले रही हैं। इतना मजा लेता नहीं तो हमारी बुझाता, अब गटई जुरा गल बादम क्या, मैं कहीं ना कहीं गलत किया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग ऐसा ना करिए, अगर आप लोग कहीं गुस्सा होकर जाते हैं अपने परिवार से तो कहीं ना कहीं उसको बता दीजिए, भैया आपने बहुत गलती किया, गलती का परिणाम हम लोग भोगते हैं। भाभी समझ रही है कि भाभी का क्या बुरा हाल हुआ था, लाइफ में आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है? कुछ बोलिएगा, देख सकते हैं दोस्तों अभी भैया एकदम पूरा शॉक्ड में पड़ गए हैं और समझ सकते हैं कि यार होता है लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो बस क्या बोलूं, बस भैया मिल चुके हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग यही दुआ कीजिएगा ताकि इन लोग में अब झगड़ा ना हो, आपको अब परिवार अपना ख्याल रखिए अच्छे से, मतलब आपके एक छोटे गलती से मालूम है 10 दिन से घर में अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा,
दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं कि कहाँ चला गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे कितना दिन के बाद देखो कितना कहा, 13वां दिन है। अच्छा है हम पी रहे हैं। मतलब भाभी जब रो रही थी, आपकी कपड़े ले रो रही थी, तो मतलब वो दिल पे लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि क्या हो जाए, आपकी बातें याद आता था, आपके साथ हम रहते थे, खाने के लिए लाते थे, ये चीज चाय ऐसे पिलाते थे, बाबू ये चावा पी लो, तो मतलब कहीं ना कहीं यार कि डर लगने लगा एक दो दिन। तो हमें दोस्तों हमें भी खुद हम सोचे कि यार ये हमेशा हमको समझाते हैं, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते थे, तो ये हमको बोलते थे कि कहीं अगर खुश लगा तो चल जा। तो भाभी हमारे पास फोन की, उस समय मुंबई हम थे, तो हमको लगा यार चलिए नाराज हुए होंगे, एक दो घंटे में आ जाएंगे। फिर दो दिन तक हमको लगा कि आ जाएंगे, फिर जब तीसरा दिन हुआ मेरा जो हालत है, तो ही ना कहूँ सज्जी फोन पे गूगल पे सब इनके पास बैठे, सब पैसा ये खर्चा करता ना, तो हमारे पास ना गूगल पे रही, ना फोन पे रही, ना पेटीएम रही, कुछ नहीं। मोबाइल ले गला था, मेरे घर में चार मोबाइल भाई, एक ले रहा था जो गूगल पे फोन पे वाला छोड़ के दूसरा कौन ले ले रहा था, तो हमें मोबाइल की जरूरत नहीं डाले, हमको नहीं अपन हम खुद जाइब अपन धमना ही दिमाग में समझ में आता, हम का जान हम का बताए, तो हम काम चोर रहनी, हम जंगर चोर रहनी, तो हम कहनी चल दू 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 तीन दिन खड़ती अपन जंगर चोरा लेता नहीं, आकर बाद कर लेला देख ली सब कह लेला लोगन, तब कहनी देखी कैसे शूटिंग होला, कितना गाना शूट भेल, ये देखल चाहत रहनी, वह पूछती ना हम कितना गाना शूट भेल। कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ के चले जाता है तो क्या वाइफ काम करेगी जी, ये बार बार कह रही थी भाई, कह रहा था बताइए, अगर अगर आपको वो बात नहीं रहोगे तब भी हम कर लेंगे, जब हम कहते हैं हम बकरी तो नहीं करेंगे, जरूरी काम जरूरी है, बड़ा आपका गलती है क्योंकि बच्चे का भविष्य होता है। भाभी ने बोला कि जाकर फीस जमा कर दीजिए, आराम नॉर्मली गए होते जमा कर दिए होते, तो जमा हो गया था यार, फीस में कौन बड़ी बात थी, उसमें कौन हाँ नहीं चढ़ा, अच्छा ये बता इतना बड़ा आप कदम उठा लिए, पहले भी केवल फीस का मैटर नहीं है भाई, दीपू नहीं समझ रहे हो, खाली फीस वाला बात नहीं, आप अब इतना बड़ा कदम उठा लिए, अगर अचानक भाभी का कहीं तबीयत खराब हो जाता, हार्ट अटैक आ जाता, कुछ हो जाता, आप उसमें क्या करते, उससे बेसी झगड़ा होता रहा, मार पीट ये सब हो जाता रहा, चौराहा पर मनी तमाशा देखा रहना है, तैयार ना घर छोड़ के भागना है, वो दिन पता नहीं इनके दिमाग में कौन चीज आई, तुम्हारे दिमाग में तू घर छोड़ के निकल रहा ना, हमसे बताया था कौन अगलिया बगलिया कौन बता दे रहा था, तू सबके समनवा खोल खोल कहता रहू, एकदम देख ला लोगन जांगर चोर चोर बैठल वाला घर में कोनो काम चिल्ला कहता रहू, चोरा तो नहीं कहता रहू, अपन गलती तो नहीं देबू, वहाँ दिने कहत हूँ मूंगफली बेच कहना तो उसे बढ़िया छोड़ देता नहीं, मूंगफली तो सबसे ज्यादा कहत हुए देखा हो लोगन मूंगफली बेची है, सब छोड़ के चलते मूंगफली बेचे, तो हम कहिए फुआ देख आई फुआ पापा मूंगफली चोरा चिल्ला चिल्ला कहू, तो सेटअप पे बोला तरू, जब हम कहता नहीं सब हम काम करा डायरेक्शन करा थी, तो सेटअप पे भड़क जाते, सबके सबके सामने बेइज्जत कर देता हूँ, तो नहीं कहता हूँ हमार को अहमियत नहीं, बस शुरू से लास्ट तक हम करें नहीं। तो दोस्तों भैया तो घर चले गए और हम भी दो तीन दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि वो गायब हो गए थे, और बहुत खुशी की बात तो वो मिल चुके हैं, और दोस्तों मेरा भी हालत खराब हो चुका है, और हमारी प्यारी सिवाई भी इधर है, तो अच्छा लगा ना आपको देखकर, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, और भैया मिल गए हम तो बहुत खुश हैं। तो दोस्तों भैया मिल गए, ऐसे लापता हो गए थे, जानते हैं आप लोग घर में झगड़ा वगड़ा थोड़ा बहुत चलता था, ऐसे रूट के चले गए थे, लेकिन आप लोग ऐसा ना करिए, और अभी हम घर पे आ गए और आज से हम अपना डेली ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट कीजिए ना यंगिरा जी, खूब आगे बढ़ाइए हम लोग को, तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पिन कर देते हैं, नमस्ते प्रणाम जय हिंद।